भैया बहनी राम राम। मेरा नाम बुनेला देवी, विलेज फूड लाइफ स्टाइल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का रेसिपी हम बनाएंगे आम का पना। हम चलते हैं पना भूजने स्टार्ट करते हैं। हमने बिछा लिया है, अब चलते हैं ऊपर ही लिया के इकट्ठा करते हैं। यहीं पर हमारी ऊपरिया पथाती है, जो हमारी ऊपरी सूखी है वही ऊपरी हम ले चलूंगी और पना भूजे के लिए ऊपरी जलाऊंगी। चलते हैं, हम लेना स्टार्ट करते हैं। बारी बारी से हमने ऊपरी के सरिया लेती हूँ क्योंकि ले जाने में आसानी रहे, ऊपर ही हमारे छीटे ना। कितनी अच्छी सूखी हमारी ऊपरियाँ हैं। गांव में यही तरीके से अपना ऊपरी बहुत लोग ऐसे ढो लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो ऐसे हम हमने रख लिया है, अब जाते हैं हम थोड़ा सा लकड़ी ले आएंगे। गांव में यहीं से माचिस से जला जाता है। अब वो भी रख लेती हूँ। अपने बैठे के लिए हमने पिढ़ाई लिया है, आम भी लिया है। पहले हम अपना ऊपरी तोड़ लेंगे। यही तरीके से हमने गांव में सब लोग ऊपरियां तोड़ते हैं। बारी बारी से हम सारी ऊपरियां ऐसे तोड़ लेंगे। यही ऊपरी हम सुलगाएंगे। कंडा भी कहते हैं, ऊपरी भी कहते हैं इसको, इसको उपला भी कहते हैं। तो हम इसको अब जलाऊंगी। हमने आग जला लिया है, अब इसी पर रखूंगी ऊपरी। जरूरत भर हम बारूंगी सुलगाऊंगी, ज़्यादा नहीं। आग हमारा ज़्यादा जल रहा है इसीलिए थोड़ा पानी भी डाल देती हूँ क्योंकि दोपहर का समय है। हमने दोनों साइड में जला लेंगे, तब जला के बाद उसके हम तभी आम डालेंगे क्योंकि हमारा आम धुआं ना लगे। आग ही हमारी तैयार हो गई है, अब हम ही आग में आम को डालूंगी। चलते हैं, बारी बारी से सब आम ऐसे आग में डाल देती हूँ। तो आग से आम भूजा हुआ बहुत अच्छा पना होता है, तो हम आग से भूजा हुआ पना बना के बताऊँगी। तो यही तरीके से हमने सारा आम आग में डाल देती हूँ। हमने आग से आम ढक देती हूँ अच्छे से। हमने यही तरीके से सारा आम पलट लिया है, अब हम फिर दो बार और ढकूंगी। हम आग नीचे उतार देती हूँ। आप देख सकते हैं हमारा आम कितना अच्छा से पकाता है। एक मिनट तक और हम एक ढकूंगी, उसके बाद हम उघार के बना बनाऊंगी। हमारा आम हो गया है, हमने आम को थाली में रख लेती हूँ। भुना हुआ आम बहुत अच्छा होता है। हमने आम पानी से साफ कर लेती हूँ।
अपने ही तरीके से सारा आम धो लेंगे। नीच में धो लेती हूँ, फिर साफ पानी में धो लेती हूँ दोबारा। ऐसे धो के हम रख लेती हूँ साफ बर्तन में। हमने आम धो लिया है, अब बारी बारी से आम निकाल लेंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा, कितना प्यारा आम है, कितना अच्छा भुना हुआ है कि जरा भी नहीं है, अच्छा है एकदम। धीमी आंच से पकाने से बहुत अच्छा पकता है, अच्छा भी रहता है, बोखला उतारने भी आराम रहता है। इस तरीके भूजना चाहिए। हमने आम का सारा बोखला उतार लिया है, तो हमारा गुरौधा आम है और खट्टा भी है, इसको हम पाना बनाऊंगी। हमने आगे जला लेती है जीरा भूजने के लिए, क्योंकि हमारी वो आगे बुझ गई है, दोबारा हम जलाते हैं। ये आगे से हमने जीरा भूनूंगी, आज हम यही ढक्कन में जीरा भूनूंगी, परे हम रख देती हूँ आग पर। हमारा ढक्कन गर्म हो जाएगा तभी हम जीरा डालूंगी। तो हमारा बर्तन गर्म हो गया है, अब हम इसे भूनूंगी जीरा। जीरा हमारा बारी बारी से चटक रहा है। जीरा हमारा हो गया है, अब हम उतार लेती हूँ नीचे आग पर से। भुना हुआ जीरा हम पहले पीस लेती हूँ। साफ बर्तन में हम उठा लेती हूँ जीरा। हम जरूरत भर नमक लूंगी। चलो हम लोढ़े के सहारे हमको फोड़ लेती हूँ सोचर को, काला नमक भी कहते हैं, सोचर भी कहते हैं। हमने दो मर्चा लिया है, दो अढ़ाई मर्चा है, तो थोड़ा हम अरे सोचर रख के उस पर भूकूंगी। हमने उठा लेती हूँ, इसमें मर्चा भी है, काला नमक भी है, मिक्सचर है, ये है काला नमक, इसके हम अलग से उठाऊंगी। हमने पुदीना का पत्ती डंठल से तोड़ लिया है, तो पुदीना की पत्ती हमारी बहुत अच्छी है, हमने धो के साफ कर लिया है। तो हम चलते हैं सिलबट्टे पे रखते हैं, अब हम इसको पीसूंगी। पुदीना पत्ती पना में डाले से स्वाद भी बढ़ जाता है, सेहत के लिए लाभदायक भी है, तो ये पत्ती हमने इस्तेमाल किया है पना में। हमने पुदीना पत्ती का पेस्ट बनाया है, वही पेस्ट हम डालूंगी आम के पना में। आप देख सकते हैं जहाँ हमने जो आम भूजे हैं, तो वही आम हम आम पानी में डाल के हाथ से पना बनाएंगे, मिक्सर से नहीं बनाएंगे। अपने हाथ के सहारे हमने आम को मसल लेती हूँ। हमने बारी बारी से आम ऐसे पानी में हथेली के सहारे हम पना बना लेती हूँ। बहुत लोग मिक्सर से प्रयोग करते हैं, तो हम मिक्सर नहीं लिया है, हम अपने हाथ से बनाऊंगी पना। हमने कुसलियों को बाहर निकाल देती हूँ दूसरे बर्तन में। देख सकते हैं हमने गुज्झा गाल लिया है, निकाल लिया है, तो बारी बारी से हमने टाठी निकाल देती हूँ गुठलियों को। पना में जीरा डाले से स्वाद भी बढ़ जाता है और फायदा भी करता है, तो हमने भुना हुआ जीरा लिया है, तो उसको हम डालूंगी। चलते हैं डालना स्टार्ट करते हैं। हमने नमक लिया है पना बनाने के लिए, तो हमने जरूरत भर नमक डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। झुरान हुआ मर्चा का पाउडर है, वही पाउडर हम डालूंगी। डालूंगी काला नमक है, तो वो भी
सेहत के लिए लाभदायक है, वो भी फायदा करता है, दाना हजम करता है। आप देख सकते हैं कि हमारा पना कितना अच्छा बना है, कितना अच्छा खुशबू भी पुदीने का आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो हमने पना में सारा सामग्री डाल दिया है, तो हम उसको घोल बना लेती हूँ। हमारा आम का पना बनके तैयार है, तो हम गिलास में निकाल लेती हूँ। ऐसे हम दूसरा भी गिलास भर लेते हैं। जो हमने आम का पना बनाया है तो दोपहर के टाइम है, तो वही पना हम बच्चों के संगे बच्चों को पिलाएंगे। इसे लड़ाई पकड़ लड़ाएंगे पकड़ेगा। गांव में आम का पना बहुत चाव से बच्चे पीते हैं। पारी बगे मत पिए, आराम से पिए। तो बच्चों आम का पना कैसा लगा बेटा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बच्चों को आम का पना दोपहर में बहुत अच्छा लगा, बच्चे बोल रहे हैं आम का पना बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों हमारा आम का पना बच्चों के साथ कैसा लगा? अच्छा लगा दोस्तों। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए राम राम।